हजरत सैयद रसूल शाह अलमारूफ नांगाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल मनाया जाता है, जो 4 अगस्त को शुरू होता है और 10 अगस्त को दुआया मजलिस के साथ अहतमाम पजीर होता है। हस्ब रवायत इस साल भी ये उर्स पाक 4 अगस्त बरोज़ आतवार को शुरू हुआ और आज शनिचरवार 10 अगस्त को 11:30 बजे दुआया मजलिस के साथ अहतमाम पजीर हुआ। दौरान उर्स पाक इन 7 दिनों में हज़ारों ज़ाहरीन ने इस उर्स पाक में शमूलियत की, दुरूद व अज़कार की महफलों का इनेकाद हुआ, तिलावत कुरान पाक की महफलों का इनेकाद हुआ, वाज़ो नसीहत और दीनी तालीमात मजलसों का इनेकाद हुआ और मुकामी उलमा और रियासत के बाकी इशू से भी काफ़ी उलमाओं ने भी शिरकत की। उसके अलावा आज की जो दुआया मजलिस आपने सुनी भी होगी, सजादा नशीन सैयद वलायत हुसैन शाह साहब ने अख्ताम पर दुआया मजलिस का अख्ताम किया और दुआ फरमाई, जिस दुआ में उन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर में अमन सलामती, मुल्क में अमन और सलामती के लिए दुआएं मांगी और जितने भी ज़ाहरीन मौजूद थे उनके लिए दुआएं हाजात मांगी। जो सोफीज़म है, मुझे लगता है कि दरगाह नांगा सरकार सोफीज़म का सबसे बड़ा मंबा है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहूँ आपको कि इस ये दरबार है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, यहाँ बाकी मज़हबों के लोग भी आते हैं और अपनी मुरादें लेके आते हैं, वो दुआएं दुआ करवा के वापस चले जाते हैं। और लंगर का जितना भी इंतज़ाम आपने देखा, जितने भी हज़ारों की तादाद ये लोग आए, तो ये दरबार ही की तरफ से ये लंगर है, ये कोई गवर्नमेंट के किसी इदारे से नहीं है, ये दरबार ही की तरफ से ये जो लंगर है ये है सजादा नशीन की तरफ से। और जितने भी जनाब बाजी साहब के ख़ानदान के लोग हैं, हज़रत नांगा सरकार के ख़ानदान के जितने भी लोग हैं, आप देखो हर जगह यही मेहमानों का तांता बंधा हुआ है और इस उर्स की तकरीब हर घर में बाजी नांगा बाजी साहब का बहुत बड़ा ख़ानदान है, तो सारे ख़ानदानों में चाहे उनके बेटे हैं उनके बेटियाँ हैं, हर घर में इस उर्स की तकरीब मनाई जाती है। और फिर जब इज्तमाई दुआ होती है तो वो यहाँ ज़ियारत शरीफ पर होती है 10 अगस्त को, तो इज्तमाई जो दुआ है वो सजादा नशीन सैयद वलायत हुसैन शाह साहब चश्ती फरमाते हैं, जैसे कि आज आपने देखा, जैसे कि आज हुआ।